तो हाँ दोस्तों, ये 434DS मॉडल है और अभी इसका गियर का जॉब चल रहा है। इसका गियर में प्रॉब्लम आया था कि लोड गियर या हाई गियर शिफ्ट करके जब ट्रैक्टर को चलाते थे प्लेन में या चढ़ाई या ढलाव में भी, तो प्लेन ग्राउंड लेवल का जगह था उसमें भी इसका गियर निकल जा रहा था। जैसे हमने इसका लोड गियर शिफ्ट करके चलाता था तो गियर निकल जाता था, यानी कि कहें तो गियर छोड़ देता था। और 3 नंबर थर्ड गियर स्पीड में साउंड था, सेकंड में भी, फर्स्ट में भी, फोर्थ में साउंड नहीं आता था। तो इसी की वजह से इसका पूरा गियर जॉब हो रहा है और पूरा गियर असेंबल को खोला गया है। तो अभी हम इसका सारा पार्ट्स को डैमेज को दिखाएंगे कि कौन कौन से पार्ट्स इसमें डैमेज हुआ है। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये मेन शाफ्ट जो कि कितना घिसा हुआ है, इसका जो ये नीडल बैरिंग लगता है ये पूरी तरह से एकदम घिस चुका है और इसी की वजह से इसके गियर सिस्टम में गैपिंग आया था, यानी कि इसका पूरा ही गियर सिस्टम लूज था और इसी के कारण से इसके गियर से साउंड भी आ रहा था और जो गियर को हम शिफ्ट करके चला रहे थे तो गियर निकल भी जा रहा था। तो इसे भी चेंज करना है। और इसके साथ साथ ये इनपुट शाफ्ट जो कि ये देख सकते हैं, इनपुट शाफ्ट इसका भी फेस और इसका बोर इसमें बाबरी आया है तो इसके कारण से इसे भी चेंज करेंगे। और इसके ये बैरिंग और ये आउटपुट शाफ्ट जो कि ये भी देख सकते हैं, इसके जो नीडल बैरिंग चलते हैं उसके ऊपर ये फेस कितना ख़राब हो चुका है। तो ये नीडल बैरिंग के फेस के ऊपर पूरी तरह से बाबरी है तो इसे भी चेंज करेंगे। और ये थर्ड नंबर गियर स्पीड, इसके भी तीत टूटे हुए हैं तो इसे भी चेंज करना है। और ये मेन शाफ्ट के बैरिंग तो ये भी डैमेज है, इसे भी चेंज करना है। तो ये सारे पार्ट्सों को हमें चेंज करना है। और ये असेंबल को पूरी तरह से हमने खोला और अच्छे से इसका बासिंग और सफाई किया है और इसका पार्ट्स हमें ऑर्डर करके मंगवाना होगा सारे पार्ट्स को। उसके बाद हम इसके सारे गियर को असेंबल करेंगे, सारे पार्ट्सों को एक एक करके असेंबल करेंगे। तो हम बाहर में इसका काउंटर शाफ्ट का सेटिंग और मेन शाफ्ट का सेटिंग पुराने टीथ गियर से ही या पुराने पार्ट से ही दिखाएंगे। ये ले शाफ्ट काउंटर शाफ्ट है और इसके सारे गियर को हम बाहर में ही एक बार सेट कर लेंगे ताकि असेंबल हाउसिंग के अंदर में सेट करते टाइम अच्छे से दिखाई नहीं देता है। तो इसे एक बार हम बाहर में ही इसका सारे पार्ट्स को सेटिंग करके दिखाएंगे कि काउंटर शाफ्ट को कैसे सेट किया जाता है। तो सबसे पहले ये दो नीडल बैरिंग इसे हमें लगा लेना है इस तरह से, ये दोनों बैरिंग को इस तरह से लगा लेंगे। और ये काउंटर शाफ्ट का फ्रंट भाग है आगे का जो चेक नट लगता है सारे गियर को लगाने के बाद। और ये रियर साइड जो कि ये पिछला भाग है जो कि पीटीओ शाफ्ट के साथ कॉन्टैक्ट होकर चलता है। तो ये दो नीडल बैरिंग को पहले लगा लेना है, उसके बाद में ये हाई लो गियर यूनिट है तो हमें इस तरह से ये हाई लो गियर यूनिट को लगाना है इस तरह से नीडल बैरिंग में जगह पे आराम से बैठा लेंगे। तो बैठ चुका है। और इसके बाद में ये एक स्पेसर दिया जाता है हाई लो गियर यूनिट के बाद, तो ये स्पेसर को इस तरह से लगा लेंगे। ये स्पेसर भी इस तरह से बैठ चुका है। और इसके बाद में इसमें 3 स्पेसर दिया गया है यानी कि 3 बूस, इसे बूस भी कर सकते हैं, ये बड़ा वाला बूस और ये सबसे छोटा बूस और ये मिडिल बूस। तो टोटल इसमें इसके काउंटर शाफ्ट में 3 स्पेसर बूस लगता है। तो अब हम ये सबसे बड़ा वाला बूस को लगाएंगे, हाई लो गियर यूनिट, उसके बाद ये स्पेसर, ये स्पेसर लगा दिया, ये स्पेसर, उसके बाद ये बड़ा वाला स्पेसर बूस। और इसके बाद अब हम ये दोनों गियर को लगाएंगे। तो इसमें एक रिवर्स गियर है, दूसरा फर्स्ट स्पीड गियर, यानी कि एक रिवर्स गियर और दूसरा फर्स्ट स्पीड गियर। दोनों गियर में डिफरेंस होता है, एक टीथ का एक दांते का, ऐसे देखने में दोनों बराबर सेम लगता है लेकिन इसमें एक टीथ का डिफरेंस होता है। तो एक 28 टीथ का होता है जो कि रिवर्स गियर होता है और 29 टीथ का होता है जो कि फर्स्ट स्पीड गियर होता है। तो सबसे पहले हम इसके टीथ को देख लेंगे कि कौन सा बड़ा है, किस में ज़्यादा है और किस में कम है। इसका टीथ को गिन लेंगे यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, यानी कि 28 टीथ है। तो ये 28 टीथ है तो ये रिवर्स गियर है। तो इसके गियर में एक साइड में ये प्लेन भाग है और ये दूसरा साइड में
स्पेस निकला हुआ है तो उसे इस तरह से लगाएंगे। ये निकला हुआ स्पेस आगे की तरफ, और दूसरा ये फास्ट स्विच गियर है जो कि एक नंबर काउंटर शाफ्ट का गियर है, तो इसमें 29 तीत होता है, एक तीत का अंतर होता है, डिफरेंस होता है। तो अभी हम इसे भी गिन लेंगे यहाँ इस तरफ से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। यानी कि ये 29 तीत है, तो ये फर्स्ट स्पीड गियर है, और इसे हम इस तरह से इसे भी इसके खाँचे में, इसमें भी स्पेस है, ये स्पेस वाला पीछे साइड में, और ये प्लेन फ्रंट साइड में, ये काउंटर शाफ्ट के हिसाब से। तो इस तरह से दोनों का स्पेस आमने सामने होना चाहिए, तो ये देख सकते हैं दोनों का स्पेस बिल्कुल आमने सामने है। तो ये रिवर्स गियर है जो कि 28 दाते का है, और ये 29 दाते का है जो कि फर्स्ट गियर स्पीड है, तो दोनों में एक तीत का डिफरेंस होता है। तो इस तरह से हमने इसे लगा लिया। अब इसके बाद में हमें एक ये छोटा वाला स्पेसर बूस को लगाना है, तो इस तरह से ये छोटा स्पेसर बूस को भी लगा लेंगे। और इसके बाद में ये दो गियर हैं, तो इसमें ये छोटा वाला 35 दाते का है जो कि सेकेंड गियर स्पीड है, और ये बड़ा वाला 41 दाता है जो कि ये थर्ड गियर स्पीड है। ये काउंटर शाफ्ट का दो नंबर गियर है, 35 तीत यानी कि 35 दाता, और ये 41 तीत यानी 41 दाता, ये बड़ा वाला गियर, और ये थर्ड स्पीड गियर है काउंटर शाफ्ट का, यानी कि काउंटर शाफ्ट का तीन नंबर गियर है, और ये दो नंबर। तो इसे इस तरह से हम लगाते हैं, तो इसे इस तरह से लगाया जाता है एक साथ में कॉन्टैक्ट करके, एक साथ में सेट करके ये गियर तीत को, ये गियर को, तो इस तरह से हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ये दो नंबर गियर को लगाएंगे, और इसमें भी एक स्पेस निकला हुआ है, और ये भाग में कम स्पेस है, तो इसे इस तरह से इसे भी सेट कर लेंगे इसे खाँचे में। और उसके बाद में ये थर्ड गियर स्पीड, तो इसे इस तरह से इसका स्पेस फ्रंट साइड में काउंटर शाफ्ट की तरफ आ गए, तो इस तरह से इसे भी इसके खाँचे में लगा लेंगे। और इसके बाद में ये मिडिल जो मीडियम बूस है स्पेसर, इसे डाल लेंगे इस तरह से। और इसके बाद में ये 50 तीत का यानी कि 50 दाता का काउंटर शाफ्ट हेलिकल गियर है, तो इसे भी इस तरह से लगाना होगा, ये काउंटर शाफ्ट में इसके हिसाब से पीछे की तरफ, और ये भाग आगे की तरफ, तो इस तरह से इसे भी इसे खाँचे में मैच कर लेना है। तो ये काउंटर शाफ्ट इसका कंप्लीट हो गया है, इसी तरह से इसका सेटिंग होता है, ये हाई लो यूनिट गियर, और उसके बाद में एक ये स्पेसर, उसके बाद बड़ा बूस, उसके बाद 28 तीत का ये रिवर्स गियर, और उसके बाद ये फर्स्ट गियर 29 तीत, उसके बाद छोटा स्पेसर ये वाला, और उसके बाद में सेकेंड गियर स्पीड जो कि 35 दाते का है, उसके बाद ये थर्ड गियर स्पीड काउंटर शाफ्ट का तीन नंबर, और उसके बाद में मीडियम जो बूस था स्पेसर उसे डाल लेंगे, और उसके बाद 50 तीत 50 तीत का ये हेलिकल गियर। तो इस तरह से इसका सेटिंग होता है पूरा काउंटर शाफ्ट का। तो अब हम इसके मेन शाफ्ट को सेट करेंगे, ये पुराना वाला ही मेन शाफ्ट है जो कि देख सकते हैं ये पूरा घिसा हुआ था, और इसी का हमें बस बिल्कुल सेटिंग दिखाना है केवल बाहर में ही, तो इस तरह से हम इसे सेट करेंगे। तो सबसे पहले इसके जो मेन शाफ्ट का बेयरिंग लगा होता है, तो उसके साथ ये अलग स्पेसर होता है, तो ये स्पेसर को डालेंगे, और ये आगे का भाग है, और इस तरह ये पीछे का भाग है, तो इस स्पेसर को इस तरह से लगा लेंगे, जो कि उसके जगह पे ये बैरिंग लगता है, ये टूटा हुआ है, और ये बॉडी में ही छोड़ देते हैं, तो इस तरह से ये बैरिंग लगता है। तो सबसे पहले हम ये गियर को डाल लेंगे, क्योंकि ये रिवर्स गियर है और इसमें बूस भी लगा हुआ है, तो इसमें ये स्पेसर बूस्ट जो लगा हुआ है रिवर्स गियर के अंदर में, तो हम इसे लगा लेंगे, आप किसी तरह भी लगा सकते हैं, इसमें सेंटर आना चाहिए, तो इस तरह से इसे सबसे पहले लगा लेंगे। और इसमें ये ख़राब है, थ्रस्ट हो चुका है मेन शाफ्ट, तो थोड़ा टाइट हो, इसे ये फ्री जाना चाहिए, तो ये बूस्ट थोड़ा सा इसमें टाइट है, क्योंकि इस जगह में ये मेन शाफ्ट ख़राब हुआ है, जिसके कारण से ये घर्षण हुआ था, हीट हुआ था, और ये बाबरी टाइप का है, इसीलिए थोड़ा सा ये टाइट गया, नहीं तो बिल्कुल खाँचे में फिर जाना चाहिए। और इसके बाद ये रिवर्स गियर को लगाएंगे, जो कि 30 तीत का होता है, 30 तीत इस तरह से,
आराम से इस तरह से बैठ जाता है। और इसके बाद में ये फर्स्ट एंड रिवर्स गियर शिफ्टर कॉपलिंग को लगाएंगे इस तरह से। इसे भी खांचे में मैच करना होता है इस तरह से। जैसे ही ये खांचे में मैच आ जाएगा अपने आप में बिल्कुल इस तरह से चला जाता है आराम से। और ये भी थोड़ा सा मेन शाफ्ट में जाम ही है, तो ये भी आराम से चला गया है। और थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि ये अटक रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद में हम फर्स्ट स्पीड गियर को डालेंगे जो कि ये 32 दांते का आता है फर्स्ट गियर स्पीड। इसे भी गिनती कर लेंगे एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 तूतीत। तो ये फर्स्ट स्पीड गियर है मेन शाफ्ट का। इसे इस तरह से लगाएंगे उसका खाँचा, ये जो गियर शिफ्टिंग खाँचा है तीत है, तो इस तरह से उसका और इसका दोनों का आमने सामने होना चाहिए। तो इसे भी इस तरह से लगा लेंगे। और इसमें बूस नहीं होता है तो ये थोड़ा सा जाम है। तो ये भी इस तरह से ये पूरी तरह से बैठ चुका है। तो अभी ये रिवर्स गियर और ये फर्स्ट स्पीड गियर, ये रिवर्स गियर और ये फर्स्ट स्पीड गियर और ये फर्स्ट एंड रिवर्स गियर शिफ्टर कॉपलिंग। और इसके बाद हम ये सेकेंड गियर शिफ्टर कॉपलिंग को लगा लेंगे इस तरह से। तो इसे भी खांचे में मैच करना होता है इस तरह से, ये इस तरह से। तो इस तरह से बैठ जाता है। और अब हम सेकेंड गियर को लगाएंगे। तो ये सेकेंड गियर है तो इसके तीत को भी एक बार गिनती कर लेंगे इस जगह से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तीत, यानी कि ये 26 तीत है। तो इसे भी इस तरह से लगा लेंगे, ये भी आराम से बैठ जाता है। तो ये सेकेंड गियर बैठ चुका है। और इसके बाद ये स्पेसर, ये स्पेसर को डाल लेंगे इस तरह से। ये भी बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। और इसके बाद में थर्ड गियर जो कि हमें इसे चेंज करना है। अभी हमने इसके पार्ट्स को मार्केट से नहीं मंगवाया है तो इसे भी चेंज करेंगे। तो अभी सेटिंग हम लोग को देखना है तो इस तरह से इसका सेटिंग करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो ये 20 तीत के हैं, 20 दांते का। तो अब हम इसे लगाएंगे तो इसे इस तरह से इसका जो ये छोटा वाला तीत ये मेन शाफ्ट के फ्रंट साइड में होगा इस तरह से इसे लगा लेंगे। ये थर्ड गियर स्पीड भी लग चुका है। और इसके बाद में ये थर्ड एंड फोर्थ गियर शिफ्टर ये कॉपलिंग को लगा लेंगे। तो इसमें ये स्पेसर लगा हुआ है और एक लॉक भी लगता है तो इसे इस तरह से हम लगाएंगे। इसमें घाट होता है, ये अलग होता है। ये दोनों कॉपलिंग में, गियर शिफ्टर कॉपलिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसमें भी इधर या ये इधर भी लगा सकते हैं, ये इसको इधर भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस होता है। फ्रंट साइड में लगता है और ये थर्ड एंड फोर्थ गियर शिफ्टर कॉपलिंग है तो इसे इस तरह से लगाएंगे। ये जो इसका इसका जो ये घाट बना हुआ है गैलरी, इसमें स्पेसर बैठता है और लॉक लगा कर मेन शाफ्ट को यहाँ लॉक किया जाता है। तो इसके चलते ये फ्रंट साइड भी इस तरफ रहेगा तो ये भी कुछ आराम से इस तरह से बैठ जाता है इस तरह से। और ये शिफ्टर कॉपलिंग भी बैठ चुका है तो ये इस तरह से न्यूट्रल पोजीशन बनाता है। और गियर पर गियर शिफ्ट इस तरह से थर्ड नंबर गियर शिफ्ट होता है। और इसके बाद में ये स्पेसर इसके अंदर में और एक लॉक को लगाकर, जो अभी हमने लॉक का गरारी घाट दिखाया था उसमें बैठा कर मेन शाफ्ट को लॉक किया जाता है। और उसके बाद में ये इनपुट शाफ्ट लॉक करने के बाद इसमें नीडल बेयरिंग लगाकर और इस तरह से इनपुट शाफ्ट को सेट किया जाता है। तो इस तरह से सेट होता है। और इसके बाद में ये आउटपुट शाफ्ट कि इसमें जो कि ये आउटपुट शाफ्ट में इसके गियर इस तरह से बैठा कर
ये इस तरह से। तो ये मेन शाफ्ट का अभी सेटिंग पूरा हो चुका है, जैसा कि देख सकते हैं। ये हाई लो गियर, ये रिवर्स गियर, और ये रिवर्स गियर शिफ्टर, रिवर्स एंड फर्स्ट गियर शिफ्टर, और ये फर्स्ट स्पीड गियर मेन शाफ्ट का, और ये सेकंड गियर, और ये थर्ड गियर। तो इस तरह से इसके मेन शाफ्ट को सेट किया जाता है, और उसके बाद में लास्ट में ये इनपुट शाफ्ट। तो इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने इसके ये काउंटर शाफ्ट और मेन शाफ्ट को फिट किया एक एक पार्ट्स को लगाकर। तो इसका सेटिंग गियर असेंबल हाउसिंग के अंदर में इस तरह से ही रहता है, जो जो पार्ट्सों को हमने सेट किया, और कौन कौन से इसमें गियर टीथ कॉन्टेक्ट रहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो ये हाई लो गियर, जो कि ये इस टीथ पे आता है तो लो स्पीड हो जाता है, और जब ये गियर यहाँ पे कॉन्टेक्ट होता है स्लाइड होकर इस तरह से, तो ये हाई गियर स्पीड हो जाता है, और ये बीच में हो जाता है तो ये न्यूट्रल पोजीशन में आ जाता है। तो ये हाई लो गियर बड़ा वाला गियर के साथ ये कॉन्टेक्ट रहता है, और उसके बाद में ये रिवर्स गियर, ये रिवर्स गियर जो कि हाउसिंग के अंदर में है, उसे हमने बाहर नहीं निकाला है क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो वो उसके साथ में कॉन्टेक्ट होता है। अभी हम दिखाते हैं, ये रिवर्स गियर यूनिट है, और इसको हमने गियर असेंबल हाउसिंग से बाहर नहीं निकाला क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसके बैरिंग और स्पेसर सारे ठीक थे। तो एक ये 16 और ये 19 तीत का है, ये 16 और ये 19 तीत। तो ये रिवर्स गियर जो 19 तीत वाला जो गियर हमने दिखाया अभी, तो उसमें एक 16 गियर था और एक 19 था, तो ये 19 तीत गियर वाला के साथ ये कॉन्टेक्ट होता है रिवर्स गियर। और उसके बाद ये काउंटर शाफ्ट का 28 तीत जो कि ये रिवर्स गियर है। तो ये जो अभी हमने एक 16 दिखाया था हाउसिंग के अंदर में 16 तीत का गियर, तो ये 16 तीत के गियर से कॉन्टेक्ट होता है, और ये रिवर्स गियर 19 तीत गियर के साथ कॉन्टेक्ट होता है। तो दोनों इस तरह से ये एक साथ में कॉन्टेक्ट होता है, इसके ऊपर 16 तीत का कॉन्टेक्ट होता है रिवर्स आइडलर गियर, और ये मेन शाफ्ट ये रिवर्स गियर के साथ 19 तीत आइडलर गियर कॉन्टेक्ट होता है। तो इस तरह से ये दोनों में कॉन्टेक्ट होता है, इसीलिए इस जगह पे कोई गियर कॉन्टेक्ट नहीं है, क्योंकि ये तो रिवर्स आइडलर गियर के साथ 19 तीत के साथ कॉन्टेक्ट होगा, और ये 28 तीत रिवर्स गियर काउंटर शाफ्ट का है, ये वाला 16 तीत के साथ 16 तीत आइडलर रिवर्स गियर के साथ ये कॉन्टेक्ट होगा। तो इस जगह में दोनों गियर का जगह खाली है, और उसके बाद में ये काउंटर शाफ्ट का फर्स्ट स्पीड गियर है जो कि 29 तीत है, इससे एक तीत बड़ा है, यानी रिवर्स गियर से एक तीत बड़ा होता है, 29 तीत है, और ये कॉन्टेक्ट होता है ये फर्स्ट गियर मेन इसके साथ, ये फर्स्ट मेन गियर के साथ ये काउंटर शाफ्ट का गियर दोनों एक साथ कॉन्टेक्ट होता है, यानी कि 29/32 तीत ये फर्स्ट गियर है, और ये 29 तीत काउंटर शाफ्ट का गियर है। तो इस तरह से ये कॉन्टेक्ट होता है, और उसके बाद में ये सेकेंड गियर मेन शाफ्ट का, ये सेकेंड गियर है 26 तीत, और ये 35 तीत, ये काउंटर शाफ्ट का 35 तीत सेकेंड स्पीड ही गियर है, ये दो नंबर का काउंटर शाफ्ट का गियर है जो कि 35 तीत है, और ये मेन शाफ्ट का 26 तीत जो कि ये सेकेंड स्पीड गियर है। तो ये सेकेंड स्पीड और ये सेकेंड स्पीड दोनों एक साथ में इस तरह से कॉन्टेक्ट है, और ये थर्ड स्पीड गियर जो कि ये मेन शाफ्ट का थर्ड 3 नंबर गियर है, और ये काउंटर शाफ्ट का 3 नंबर 3 स्पीड गियर है जो कि ये 41 तीत है, 41 दांते और ये 20 दांते, यानी कि दोनों 41 और 20 थर्ड गियर है, और दोनों इस तरह से कॉन्टेक्ट होता है। उसके बाद में ये इनपुट शाफ्ट के साथ 50 तीत काउंटर शाफ्ट हेल्पिंग गियर, और ये मेन गियर का इनपुट शाफ्ट, तो इस तरह से ये भी दोनों आपस में कॉन्टेक्ट होता है। तो इसी तरह से इसके गियर का फुल सेटिंग होता है, और इसी तरह से हमें इसका गियर असेंबल हाउसिंग में सेट करना होता है। तो हमने इसका बाहर में सेटिंग इसलिए दिखाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इसका गियर जॉब, फुल गियर जॉब करना है, तो हमने दिखाया कि कौन कौन से इसके पार्ट्स डैमेज हुए हैं और कौन कौन से इसके गियर के टीथ टूटे हुए हैं।
तो सारे पार्ट्सों को हमें चेंज करना है और हम बाहर में ही इसका काउंटर शाफ्ट और मेन गियर शाफ्ट का फुल सेटिंग दिखाया ताकि असेंबल करते समय, तो इसका वीडियो अपलोड किया गया है और एक बार बाहर में सेटिंग दिखा देने से अच्छा होगा, क्योंकि जब हम इसके गियर हाउसिंग में इसके सारे गियर और पार्ट्स को असेंबल करते हैं तो अच्छे से दिखाई वीडियो में नहीं दे पाता है। कभी कोई स्पेसर लगाना है तो अच्छे से दिखाई नहीं दे पाता है, या कभी गियर कौन सा गियर लगाना है या गियर शिफ्टर कॉपलिंग लगाना है तो अच्छे से दिखाई नहीं दे पाता है। तो हमने इसके बाहर में ही काउंटर शाफ्ट का सेटिंग और मेन शाफ्ट का सेटिंग के सारे गियर को और सारे पार्ट्स को एक एक करके दिखाया। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले।